सनातन को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हो रही हैं। सनातन ना मिटा है ना मिटेगा। सनातन पूरे विश्व में एक ऐसा धर्म है जो किसी को भी ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देता, जो चींटी को मारने की भी अनुमति नहीं देता। सारा का सारा विपक्ष कंफ्यूज है। मुझे लगता है कि पूरा विपक्ष जो है वो राहुल जी की तरह सोचने लगा है कि प्रधानमंत्री का विरोध करना है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, वो कुछ भी करें उसका विरोध करना है। तो विपक्ष को इस मानसिकता से बाहर आना चाहिए। कोई कानून है, अच्छा है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। दुश्मन भी अगर अच्छी बात कहे तो उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, विडंबना है इस देश के लोकतंत्र की, पूरा का पूरा विपक्ष अपनी सोच समझ खो चुका है। लगातार सनातन पर जो उंगलियां उठ रही हैं, और दयानिधि स्टालिन है उनके खिलाफ बिहार में एक मुकदमा दर्ज हुआ है उनके इस तरह की बयानबाजी को लेकर, तो क्या मानते हैं जो सनातन को लगातार अपना निशाना बना रहे हैं? देखिए, सनातन को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हो रही हैं। सनातन ना मिटा है ना मिटेगा। जहां तक सवाल है स्टालिन का, डीएमके का या किसी और नेता का, तो ये सब हर युग में आसुरी शक्तियां होती हैं। ये आज के दौर में भी आसुरी शक्तियां हैं। इनका काम ही विघ्न डालना है। पहले आपने धर्म ग्रंथों में, किताबों में कहानियां पढ़ी होंगी कि कोई ऋषि मुनि महात्मा यज्ञ कर रहे हैं तो उस यज्ञ हवन को, उस हवन कुंड को छिन्न भिन्न कर देते थे, तोड़ देते थे, है ना। रावण के जमाने में क्या होता था, रावण के राज्य में क्या होता था, महात्माओं को लूटा जाता था, उनके कमंडल लूट लिए जाते थे, उनके पात्र लूट लिए जाते थे, उनके वस्त्र लूट लिए जाते थे। तो सवाल इस बात का है कि ये आसुरी शक्तियां हैं, ये हर युग में रहती हैं, हर युग में रहेंगी। लेकिन भारत भावनाओं का देश है, श्रद्धा का देश है, आस्था का देश है। सनातन पूरे विश्व में एक ऐसा धर्म है जो किसी को भी ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देता, जो चींटी को मारने की भी अनुमति नहीं देता, जो कहता है कि अयम निजे परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरित नान्तो वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा एक परिवार है, ये उद्घोषणा करता है, जो विश्व बंधुत्व का सूत्र देता है, वो सनातन है। जो सत्य है, जो शाश्वत है, वही सनातन है। सनातन को कभी ना मिटाया जा सकता है और ना मिटाया जाएगा। सर, ये केंद्र सरकार ने अब लागू कर दिया है सीएए को लेकर, क्या बयान है? इस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार लोग बयानबाजी इसको कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं सीए को लेकर? देखिए, विपक्ष को ये पता ही नहीं है कि वो सीएए का विरोध क्यों कर रहा है। विपक्ष के सारे नेता चिल्ला चिल्ला के एक बात कह रहे हैं कि साहब सीएए कानून के लागू होने से हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भारत के नागरिक पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तो इसका विरोध क्यों? सारा का सारा विपक्ष कंफ्यूज है। मुझे लगता है कि पूरा विपक्ष जो है वो राहुल जी की तरह सोचने लगा है कि प्रधानमंत्री का विरोध करना है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, वो कुछ भी करें उसका विरोध करना है। तो विपक्ष को इस मानसिकता से बाहर आना चाहिए। इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, देश के हित में यदि कोई कानून है, अच्छा है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। दुश्मन भी अगर अच्छी बात कहे तो उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, विडंबना है इस देश के लोकतंत्र की, कि पूरा का पूरा विपक्ष अपनी सोच समझ खो चुका है। हरियाणा में सरकार चेंज हो गई है, बदल गई है, नई सरकार ने शपथ ली है, फ्लोर टेस्ट भी पास हो चुका है। वहां के जो पूर्व गृह मंत्री है उनका कहना है कि मैं राम भक्त और मैं भाजपा की सेवा करता रहूंगा। मोदी है तो मुमकिन है। मुख्यमंत्री कब कौन बनेगा और कौन मुख्यमंत्री पद से कब हटेगा, या तो परमात्मा जानता है या नरेंद्र मोदी जानते हैं। यही एक सच्चे नेता की पहचान है, सख्त फैसला लेना, राष्ट्र के हित में फैसला लेना और उसको लागू करना, यही मोदी की गारंटी है। सवाल है मोहम्मद आरिफ खान, तो उनसे आपके बहुत अच्छे संबंध है, आपके मित्र हैं,
उनका कहना है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के दौर में 1947 में ही सीए लागू होना तय हो चुका था, लेकिन ये सरकार भी था। देखिए, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी पर बोलने की स्थिति में मैं नहीं हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, पूरे देश को उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता, पूरे देश का होता है। क्या परिस्थितियां रही, क्या रही होंगी, ये वो दौर था। लेकिन आज का दौर जो है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसले ले रहे हैं वो देश के हित में बहुत अच्छे हैं और मैं उनका समर्थन करता हूं। कांग्रेस की जो यात्रा निकल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, क्या मानते हैं इससे कितना फायदा कांग्रेस को हो सकता है? कांग्रेस की शव यात्रा निकल चुकी है, न्याय यात्रा की बात क्यों करते हैं?